तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये एयर बना रहा है हमारा प्रोजेक्ट। ये देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूँ, ये देखिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सबका। तो फ्रेंड आज हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये एक एयर कंप्रेशर मैंने बनाया है। और फ्रेंड्स ये एयर कंप्रेशर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो फ्रेंड चलिए इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे जरूर है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और मेरी हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं, लेट्स डू इट। तो फ्रेंड इस एयर कंप्रेशर को बनाने के लिए जो भी सामान हमें चाहिए वो सभी सामान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और दोस्तों ये सभी सामान आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के हमें दो गुटके चाहिएंगे, और ये गुटके आप लकड़ी के भी ले सकते हो, मैंने प्लास्टिक के लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इस तरीके का एक क्लिप चाहिएगा, ये भी आप आसानी से घर पर भी बना लोगे, किसी पत्ती का बना लीजिएगा। उसके बाद हमें एक छोटा सा टुकड़ा MDF बोर्ड का चाहिएगा और एक बड़ा सा टुकड़ा हमें चाहिएगा MDF बोर्ड का। यहाँ पर आप लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हो, ये बेस के लिए मैं यूज करूंगा। और सबसे मेन पार्ट हमारा एक इस तरह का हमें इंजेक्शन चाहिएगा, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा 20 से 30 रुपए के बीच में। और दोस्तों इसके बाद हमें एक 12 वोल्ट का मोटर भी चाहिएगा, ये गियर मोटर है तो यहाँ पर मैं गियर मोटर का यूज कर रहा हूँ, ये भी हमें चाहिएगा। उसके बाद दोस्तों हमें एक साइकिल का स्पोक चाहिएगा, और ये स्पोक भी आपको आसानी से किसी भी साइकिल की शॉप से मिल जाएगा। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले ये जो हमारे पास प्लास्टिक के दो गुटके हैं, ये गुटके हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाने हैं, एक हमें यहाँ पर लगाना है और दूसरा हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है फ्रेंड। और इन्हें हम यहाँ पर चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें स्क्रू की मदद से टाइट करूंगा, और स्क्रू हमारे पास ये रहे तो इन स्क्रू की मदद से मैं इन्हें यहाँ पर टाइट करूंगा। तो चलिए पहले यहाँ पर ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेते हैं, और इसको मैं इस तरीके से उल्टा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं तीनों स्क्रू हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, और ये देखिए गुटका हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने फिट कर दिया है। तो इसी तरीके से हमें दूसरा गुटका भी यहाँ पर फिट कर लेना है, और ये हमें यहाँ पर फिट करना है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं दोनों स्क्रू हमने यहाँ पर इसमें भी लगा दिए हैं, ये देखिए। और इस तरीके से ये दोनों गुटके हमारे बिल्कुल परफेक्टली लग चुके हैं। तो अब फ्रेंड हमारे पास ये जो 12 वोल्ट का मोटर है, ये गियर मोटर है, तो इस मोटर को हमें यहाँ पर इस गुटके के ऊपर फिट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। और इसे यहाँ पर रोकने के लिए इस क्लिप का हम यहाँ पर यूज करेंगे, इस क्लिप की मदद से हम इसे यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड मोटर तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। अब चलिए ये इंजेक्शन जो है ये भी हमें लगाना है, और दोस्तों ये हमें यहाँ पर लगाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। लेकिन दोस्तों इस इंजेक्शन को इस गुटके पे लगाने से पहले हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये इंजेक्शन हमें यहाँ से काटना पड़ेगा, और इसमें हमें एक वाल्व बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से ये कंप्रेसर की तरह काम करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए पहले वाल्व बना लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले इस इंजेक्शन का ये बीच वाला हिस्सा मैं निकाल लेता हूँ, तो ये मैंने निकाल लिया। अब हम इसे यहाँ से कटिंग कर देंगे और इसमें एक वाल बनाऊंगा मैं, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड इस इंजेक्शन को कटिंग करने के लिए हमारे पास ये ब्लेड है, तो चलिए इसकी मदद से यहाँ पर इसे मैं काट लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये मैंने कटिंग कर लिया है इस तरीके से। अब दोस्तों इसे तो हम एक साइड में रख देते हैं, और दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटा सा MDF बोर्ड का टुकड़ा ले रहा हूँ, और इसी के हम वाल बनाएंगे, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से बीच में लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। लेकिन उससे पहले इसे हम प्लेन कर लेते हैं जिससे बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर लगे, ठीक है। उसके लिए हमें ये घसना पड़ेगा, तो चलिए इसको सही करते हैं पहले। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने घस दिया है। अब चलिए इसमें वाल बनाते हैं, और वाल बनाने के लिए हमारे पास ये एक MDF बोर्ड का छोटा सा टुकड़ा है, तो इसे हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, और इसमें हमें यहाँ पर होल करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें इसका एक एरिया मिल जाएगा,
हम इसी के बीच में यहाँ पर होल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, कुछ होल हमें इधर करने और कुछ होल इधर करने। तो होल करने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेट की जरूरत पड़ेगी और ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर होल कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं होल हमारे हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें यहाँ पर वाल बना लेते हैं और उसके लिए हमें एक इस तरह की पन्नी की जरूरत पड़ेगी, ये देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके की पन्नी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, तो इस पन्नी से ही हमें यहाँ पर वाल बनानी पड़ेगी। तो चलिए इसे मैं यहाँ पर दो हिस्सों में काट लेता हूँ। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो फ्रेंड इसे इस तरीके से हम यहाँ पर गोल कर लेंगे। दोस्तों इससे कट नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ पर इस कैंची का यूज करूंगा, तो इससे फटाफट कट जाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पन्नी मैंने इस तरीके से काट लिया, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड इन पन्नी को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो एक पन्नी जो हमारे पास ये रही, ये हम यहाँ पर इस होल में लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे लगानी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दीवार से थोड़ा हट करके आपको लगानी है। ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको बिल्कुल लगानी है ये। और इसे यहाँ पर लगाने के लिए हम यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ करेंगे। ये देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम हल्की सी फेविक्विक लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम इसे रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ पर आसानी से चिपक जाएगी, ये देखिए। तो फ्रेंड एक पत्ती हमने इधर लगा ली, अब जो दूसरी पत्ती है वो हमें इधर लगानी है। तो दोस्तों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको पूरा बताऊँगा, फिलहाल हम ये पत्ती इसमें लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसे लगाने के लिए भी हम यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर ये लगा दिया, अब हल्का सा हम यहाँ पर ग्लू भी लगा देंगे जिससे कि ये और अच्छे तरीके से यहाँ पर लग जाए, ये देखिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने वाल लगा दिए। तो चलिए दोस्तों अब इस वाल को इस इंजेक्शन में कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड इसके ऊपर हमने ये जो आगे वाला हिस्सा काटा था ये हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ दोस्तों, ये आगे वाला जो हिस्सा है इसके बीच में मैंने एक दीवार लगा दी है, यानी इसके मैंने दो पार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों इस दीवार का बहुत बड़ा रोल है, इसी की वजह से यहाँ पर ये सिस्टम हमारा पूरा काम करेगा। तो इस हिस्से का एक तरफ तो हमने पाइप रखा है और एक तरफ प्लेन है, तो ये पाइप वाला हिस्सा हमें जिधर वाल है हमारी वहां पर लगाना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये लगाना है, ओके। और दोस्तों इसे लगाते समय आपको इस वाल का भी ध्यान रखना है कि ये किसी तरह से बंद ना हो जाए, यानी इसे बचा करके ही आपको ये पाइप इस तरीके से लगाना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे बीच वाली लाइन पे, तो ये रही ग्लू स्टिक, इससे मैं यहाँ पर ग्लू लगा दूंगा। तो ये ग्लू मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये बीच में से उठा ना रह जाए, और साइड वाले पे भी हम इस तरह से लगा देंगे चारों तरफ, इससे कि ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैंने लगा दिया है। अब चलिए हमें यहाँ पर ये इसको बचा करके हमें इस तरीके से लगा देना है यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया है और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब दोस्तों इसके साइड में यहाँ पर भी हमें ग्लू लगा देना है जिससे कि यहाँ पर हवा लीक ना हो। अब चलिए दोस्तों इसका पीछे वाला हिस्सा हम यहाँ पर इस तरीके से चिपका देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से चिपकाना है जिससे कि वाल बच जाए और ये भी चिपक जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको भी हम चिपका लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसे भी चिपकाने के लिए हम यहाँ पर ग्लू गन का ही यूज करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये मैंने लगा दिया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुका है यहाँ पर। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसके मैंने दो हिस्से कर दिए हैं, तो उसका रीजन ये था जब हमारा पिस्टन ऐसे जाएगा अंदर तो यहाँ से हवा आउटपुट बाहर निकलेगी, लेकिन दोस्तों जब पिस्टन वापस आएगा तो ये हवा यहाँ से नहीं लेगा, फिर ये हमारे दूसरे पार्टीशन से लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से हवा यहीं पर रुक जाएगी और हवा यहाँ से ले गए दूसरी साइड से, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके दो हिस्से किए हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक होल करना है, तो चलिए होल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से होल कर लिया, ये देख सकते हैं आप। और अब दोस्तों हमने ये जो बेसमेंट बनाया था यहाँ पर ये मोटर लगाया था मैंने और एक शीट यहाँ पर लगाई थी, तो अब हम यहाँ पर ये जो हमने पिस्टन तैयार किया है ये देख सकते हैं, ये हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, और इसे लगाने के लिए यहाँ पर ग्लू गन का ही मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर इसके चारों तरफ हम ग्लू लगा देंगे जिससे कि यहाँ पर अच्छी तरीके से लग जाए। ठीक है,
तो दोस्तों देख सकते हैं ग्लू मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया है। अब ये जो हमारा पिस्टन है ये हमारा इस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब मैं इस मोटर को इस पिस्टन से यहाँ पर जोड़ूंगा, और दोस्तों इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास ये एक साइकिल का स्पोक है, तो इस साइकिल की स्पोक की मदद से हम इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर इस मोटर में मैंने ये तार को इस तरीके से यहाँ पर लपेट दिया है, और दोस्तों ये कॉपर वायर है यहाँ पर मैंने इसको लपेटा है, और फ्रेंड्स इस कॉपर वायर में मैंने एक स्पोक भी लगाया है, और ये स्पोक इस तरह से मूव भी कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। और दोस्तों ये स्पोक इस तरह से मूव करना जरूरी है, अगर ये मूव नहीं करेगा तो मोटर आपका नहीं घूमेगा। तो अब ये जो स्पोक है ये स्पोक हम यहाँ पर पिस्टन के इस सिरे पर बांधेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बांध देंगे, और बांधने के लिए यहाँ पर मैं एक कॉपर वायर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस कॉपर वायर को हम कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पर मैंने होल कर दिए थे। तो सबसे पहले इस कॉपर वायर को हम यहाँ पर स्पोक में यहाँ पर बांध देंगे, इसे आप अच्छे से बांधना ताकि ये यहाँ से बिल्कुल भी ना हिले, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने बांध दिया है। अब यहाँ पर ये जो कॉपर वायर बचा है ये वाला वायर, इसे आप इसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट सकते हो। तो अब दोस्तों ये यहाँ से एक होल मैंने इधर भी किया हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको निकाल लूँगा इस तरीके से बाहर, और दोस्तों इसे भी हम यहाँ पर इस तार के साथ में इस तरीके से बांध देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर स्पोक हमने पिस्टन के साथ में बांध दिया है, तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, और दोस्तों टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मोटर में पावर देनी पड़ेगी, और दोस्तों मोटर हमारा 12 वोल्ट डीसी का है, तो हम यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे, और 12 वोल्ट देने के लिए यहाँ पर मैं 5 एम्पियर 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर रेक्टिफायर बनाकर लगाया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों हम 12 वोल्ट ही देंगे, लेकिन एम्पियर इस ट्रांसफार्मर के ज्यादा होंगे। तो चलिए इन दोनों तारों को यहाँ पर मोटर पर हम लगा देते हैं, और फिर इसे मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मोटर के साथ में मैं कनेक्ट कर देता हूं इसको। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहां पर दोनों कनेक्शन हो चुके हैं, तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब ये जो मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर की, तो चलिए इसमें मेन सप्लाई दे देते हैं, और दोस्तों मैंने यहाँ पर मेन सप्लाई दे दी है, तो चलिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड मैंने सर्किट को ऑन कर दिया है, तो फ्रेंड देख सकते हैं प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। चलिए अब इसकी एयर मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। तो दोस्तों ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये इसका आउटपुट का पाइप है, और दोस्तों इसे मैं आपको पानी में टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों पानी हमारे पास ये रहा, हमें देखिए दोस्तों, तो एयर बहुत बढ़िया यहाँ पर बना रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये एयर बना रहा है हमारा प्रोजेक्ट, ये देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट हमारा काम कर रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड आपने देखा प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। चलिए इसके साथ में एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको और करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक लाइटर है, तो इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से ऑन करूँगा इस तरीके से, और जब एयर चलेगी तो ये इसे बुझाएगा, ये आप देखिएगा, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ सिस्टम को, ये देखिए। तो फ्रेंड आपने देखा सर्किट हमारा बिल्कुल आसानी से बन गया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क भी कर रहा है।
इसे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको ये बनाना है, तो आप इसे 100% बना लोगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।